आओ बाहर से, बाहर से आओ, सबके साथ आओ, कोई नहीं आएगा इधर। अरे सेल्फी, वो शाहरुख का है, वो शाहरुख का है, आ जाओ, पूरा क्राउड पीछे आ जाओ। ए बाकी के बाजू हट जाओ। ए ए ए जिम्बर अतुल करवेकर, अरे गाड़ी, अरे ए स्कॉर्पियो, ए चलना, ए ए ए ए फुरपुरे, अरे यार, ए यार, अरे नहीं है भाई, चल शाहरुख ले, ए छोड़े, ए जिला छोड़, ए ओ चाची, हां अरे बउवा जी देखो, अरे हम आ गए, क्या बात है, क्या बात है, आग लगा दे, आग लगा दिया, आग लगा दिया, चला बच जा, अरे बचे, बस बस, पोस्टर किधर है, पोस्टर आटा का, अरे यार कौन है मेरे, मेरे दोस्त को भी ऐसे हरे रतन आगो जाए खड़ा हो शूट कर पे मजे आदमी करता हूँ फिर यस सर। मैं हर साल कुछ नया नया करता हूँ। सबसे पहले तो मेरा नाम जतिन बंजाल है और मैं मुंबई से हूँ और अभी जस्ट 6 महीना हुआ अहमदाबाद शिफ्ट हुआ हूँ। तो अहमदाबाद से मैं यहाँ पे आया हूँ सरोज सर से मिलने के लिए, मेरी वाइफ और बच्चे वहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेशल 3 दिन के लिए यहाँ पे मैं लाहौर पर में रहता हूँ और हर साल कुछ नया नया करता हूँ। जैसे कि 2016 में किया था फर्स्ट टाइम टैटू, सर को दिखाया था, सर ये फोटो है, सर बहुत खुश हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने 2017 में रईस का किया तो सर और भी खुश हो गए, लिखा था बिगेस्ट फैन इधर लिखा था। और इस बार मैंने जो किया है वो सबको बताया, जीरो पिक्चर लॉन्च हो रहा है तो उसका नाम है जीरो, तो उसका बहुआ जो छोटे छोटे हाइट रहती है उनके लिए, तो वो मैंने पूरा टैटू उसमें किया है और ऐसा कि बर्थडे 53 लिखा है और लिखा है यहाँ पे कि जतिन बहुआ करके। तो ये मैंने कुछ नया किया है कि सबसे डिफरेंस आई थिंक सो जितने फैन यहाँ पे है शाहरुख के तो उसमें किसी ने ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं किया जैसे मेरे पास अभी है। सबने कुछ अपने साथ किया है, मैंने मेरे हिसाब से किया है। और ये लॉकेट देख रहे हो, सब मेरा क्रिएटिव, मैं खुद ही बनाता हूँ ये सब चीज़, लॉकेट है कि फिर ये अंगूठी है, फिर गले का, फिर अपने ब्रेसलेट है और टी शर्ट का जो क्रिएशन है ये मैं खुद क्रिएशन करता हूँ। अच्छा। ये टी शर्ट मैं खुद बनाता हूँ, मेरे पास टोटल अभी तक के 18 टी शर्ट जो मैंने हर साल अभी तक संभाल के रखे। क्यों? क्योंकि मेरे मेमोरीज के लिए, कल जब मेरा बच्चा बड़ा आएगा उनको दिखा देता हूँ कि तुम्हारा डैडी के कितने बड़े फैन थे। आप टी शर्ट का अभी देख लो यहाँ से, और बैक साइड के जो है वो शायद थोड़ा डिफरेंस है आई थिंक सो। या हर साल मैं कुछ नया नया करता हूँ, हाँ हर साल मैं कुछ नया नया करता हूँ। क्योंकि अभी आप बोलोगे कि क्यों ऐसा, क्योंकि शाहरुख सर ऐसी चीज़ है कि जो इसके दिमाग में बस घुस गए तो निकलना पॉसिबल सर नहीं है। मैं बहुत कोशिश की कि बस अभी बिजनेस पे ध्यान दो, बच्चे बीवी बच्चे ध्यान दो, लेकिन सर वो पॉसिबल नहीं हो रहा है मेरे लिए। पूछो क्यों? क्योंकि इसलिए कि वो दिमाग में बैठे हुए हैं, तो आज नहीं तो कल बर्थडे में कितना भी कहाँ भी रहो लेकिन मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, क्योंकि वो चीज़ दिमाग से नहीं निकल रही है। शाहरुख सर मेरे लिए सबसे पहले मेरे मम्मी डैडी है, फिर मेरे घर है और फिर शाहरुख सर है, ये 3 मेरे लिए मेरे लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ है। बस मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि हैप्पी बर्थडे शाहरुख सर, आप जियो हज़ारों साल, ये 53 आपका बर्थडे है, बहुत अच्छे से जाए और अच्छे से आप सेलिब्रेट करो। और जीरो का जो ट्रेलर लॉन्च हो रहा है तो मेरे हिसाब से जो पिक्चर जो भी लॉन्च होएगा 16 दिसंबर को, तो उसका फर्स्ट डे 45 करोड़, आई थिंक सो 45 करोड़ कमा लेगी, तो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड करेगी। मेरे बच्चे 5 ईयर्स का है, लेकिन अभी आपको लगा होगा कि जतिन भाई बोल रहे सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सही में वो सही में ना एक्चुअली में बच्चा जो टीवी चालू करता तो बोलता है कि सर वो चेन्नई एक्सप्रेस, सर पापा शाहरुख खान आएगी, पापा शाहरुख खान आएगी, वो तुरंत पापा शाहरुख खान आएगी, तो तुरंत देखने बैठ जाते, बाकी सब छोड़ देते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, पापा शाहरुख खान आएगी, बर्थडे विश, हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान, अब जियो हज़ारों साल, और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपके लिए कुछ इस बार नया कुछ करके लेके आया हूँ बहुआ का, तो आप प्लीज़ ये वीडियो देखो और मुझे आप इसके लिए और मुझे इंग्लिश में जैसे बोलते कि मुझे और एक्सपायर करते रहो, मतलब मेरे लिए से कि आप दुआ करते रहो मेरे, थैंक यू, धन्यवाद। अरे ना यार भाई, हम बोल ना पकड़ो ना, ये इधर बोले,
क्या कहना चाहेंगे शाहरुख खान? शाहरुख खान के लिए बस इतना ही कहना चाहते हैं हम, क्या वो बस खुश रहे और उनको हैप्पी बर्थडे की विश करने आए हम यहाँ, और बहुत दूर से आए। कहाँ से आए? मालेगांव नासिक जिला। यहाँ घर है आपका? नहीं, सिर्फ बस उनके वास्ते आए हैं, दिन भर यहाँ रुकेंगे और शाम को वापिस काम कारोबार सब बंद करके मालेगांव से मुंबई, सिर्फ शाहरुख खान को देखने और उनको हैप्पी बर्थडे की विश करने आए। हर साल 10 साल हो चुके हैं, 43 से 53। आप भी? आप साथ में? साथ में, सब साथ में। क्या आज के दिन सब एक है? शाहरुख की कोई एक चीज आपको जो पसंद है? शाहरुख की सिर्फ उसका रोना, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी आपको भी वही है पसंद? पिक्चर आ रही है उनकी जीरो जीरो देखा सलमान के साथ? हाँ देखा, माइंड ब्लोइंग, माइंड ट्रेलर आने वाला है। वो टीजर था, वो तो ट्रेलर आप आएगा। कितना एक्साइटेड है ट्रेलर? बहुत बहुत एक्साइटेड। 500 करोड़ क्रॉस, 500 करोड़ क्रॉस। सही बोल रहे भाई, ऑसम, एकदम परफेक्ट। कोई पिक्चर का एक डायलॉग उनका? पिक्चर का डायलॉग ये भाई बोलेंगे हमारे। मैं अकेला ही चलाता मंजिले खुदा जाने मन, लेकिन लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया, और यहाँ बनता है ना संता है, यहाँ सिर्फ फैंस है और फैंस को इंतजार है किंग खान। हम जिसके पीछे लग जाते हैं लाइव बना देते हैं। आपको याद है कोई डायलॉग? नहीं सर, सॉरी। कितने पसंद है शाहरुख को? वो मेरा अभी फेवरेट है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। हम बहुत बड़े फैन हैं उसके, सब सब। नहीं नहीं नहीं, तो अभी मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं लौट कर कभी वापस नहीं आऊँगा, एक गुमनामी का समुंदर है उसमें ही जाके डूब जाऊँगा, पर बाकी है मेरी कहानी दुनिया को जो है सुनानी, आ रहा हूँ पलट कर देखो मैं वो कौन। डॉन शाहरुख हार के जीतने वाले को बाजी कर गए। चारों तरफ हैं आपके ही चर्चे, होंठों पे है बस आपका नाम। साथ में बर्थडे भी शाहरुख, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। साथ में शाहरुख, खूब तेज में चिल्लो, शाहरुख हैप्पी बर्थडे। नाचना